सबका होता है लेकिन सब दिल वाले नहीं होते हैं और दिल वाले उसी शख्सियत को कहा जाता है जिसका नाम शाहरुख खान है छोबी शब्दों मुक्ति पे छो मुक्ति पवार पर आबारो चौबीस घंटे एकांतो साक्षात करे दिल वाले फाइट शाहरुख शाहरुख फिर से एक बार चौबीस घंटे में आपका स्वागत घंटे Last बहुत sleep है? काम चल रहा। मैं, मुझे बहुत दिन हो गए अभी पंद्रह बीस दिन हो गए मैं सोया नहीं हूँ लेकिन अभी दो चार दिन बाकी हैं Film रिलीज हो गई लोग को अच्छी लग रही है Especially Bengal वगैरह में तो बहुत ही लोग को पसंद आई और रिपोर्ट्स आने लग गई हैं ऑडियंस को बहुत पसंद आ रही है लेकिन एक दो जगहें थी जहाँ पे थोड़ी तकलीफ थी रिलीज करने की तो वो सिलसिला जो है बिहाइंड द स्टेज क्योंकि मेरी तमन्ना तो यही है क्योंकि हमने पूरी फैमिली के लिए बनाई है तो फैमिली है जो है खुशी से और आराम से और सेफ्टी से के साथ तो फिल्म को तो अभी तक आज से मालूम पड़ा है सब ठीक ठाक हो रहा है तो आ, अब शायद एक दो दिन के बाद उसके बाद कोलकाता में आकर सूंगा आराम शाहरुख पिछले बीस बाईस साल पच्चीस साल के ऊपर इंडस्ट्री तो अभी भी फ्राइडे फीवर होता है right. तो एक्चुअली uh, अभी तक ऐसा हुआ है, पिछले आठ दस साल के अंदर कि जब तक पिक्चर आती है ना तब तक मैं स्पेशली uh, जब पिक्चर हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो इतना काम धाम होता है कि आदमी इतना थका होता है कि uh, समझ ही नहीं आता है uh, फिल्म रिलीज़ हो गई हमें लगता है ठीक ठाक हो गई अब सिर्फ मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि अब वो ऑडियंस की होगी तो वही डिसाइड करेंगे और uh, जैसे आप कह रहे हो रिव्यूज़ या कलेक्शन या ऊपर नीचे थोड़ा बहुत पहले यहाँ होता था हम फ़ोन करते थे अरे पुणे में क्या हुआ अच्छा वो वहाँ पे क्या मान दिल्ली में क्या है उस हॉल में क्यों कम है ऐसा लेकिन नहीं अब नहीं अब मुझे मालूम है थोड़ा सा मुझे अंदाजा भी है समझ भी है कि ये जो है सब ठीक ठाक हो रहा है इस वक्त एक दिन आधा घंटा चार घंटे का ऊपर नीचे पहले मुझे फोन अरे नहीं वहाँ पर ठंड ज़्यादा हो गई अरे यार बारिश हो गई ऐसा सब अब नहीं सोचते और क्रिटिकल रिव्यूज़ का अब मामला ऐसा हो गया अब इतने सारे लोग रिव्यू करते हैं कि अगर आराम से ढूंढो तो चार अच्छे वाले मिली जाएंगे और चार बुरे वाले मिली जाएंगे <laughs> और एवरी हाँ यू हैव टू बिकॉज आई थिंक अब बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया क्योंकि एक्सेस भी है सब नहीं होते <laughs> लेकिन uh, हमारे लोग होते हैं फिल्म के थिएटर्स के अंदर तो मालूम पड़ जाता है न, uh, उनका रिव्यू ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है uh, कहीं ना कहीं पर कि उनको कैसी लगी क्योंकि फिल्म आखिरकार उनके लिए है और आर्टिस्टिकली या क्रिटिकली uh, जब उसकी रिव्यू होती है तो वो सेकेंडरी हो जाती है और मैं अब इतने हैं जैसा मैंने बोला मैं इसे सब पढ़े भी नहीं जाते अगर मैं पढ़ने बैठ जाऊँ तो गूगल करके तो पागल हो जाऊँ तो एक दो देख लेता हूँ जब शुरू शुरू में आते हैं लेकिन मोर मोर देन देट मुझको जो ऑडियंस का रिएक्शन है वही पूछता रहता हूँ सबको अच्छी लग रही है हॉल में कैसी है अब अमूम अमूमन हॉल में, में जाया नहीं जाता क्योंकि भीड़ भाड़ हो जाती तो मुझे वो चीज़ मालूम नहीं पड़ती तो लेकिन अब सोशल मीडिया से वो रिव्यूज़ मेरे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए जैसे आपने ऑडियंस की बात किया हम लोगों ने भी बहुत ऑडियंस से पूछा था मतलब सबका भी एक्सपेक्टेशन एकदम स्काई हाई था मिक्स रिएक्शन्स थे बट कुछ लोग कुछ लोगों का ये कह रहे इट्स मोर ऑफ रोहित शेट्टी फिल्म देन शाहरुख का जो फिल्म क्योंकि राज और सिमरन का जो लव सागा था सम मैच्योर लव एंड यू नो मैच्योर मीरा शायद वो यंग जनरेशन को उतना टच नहीं कर पाया जो बीस साल पहले डी डी शायद नहीं देखा है सो लोगों को इसका भी एक मतलब एक्सपेक्टेशन बहुत ही हाई था लोगों को

बट द आइडिया इज़ दैट ओ ओनली और इसके अंदर अफकोर्स मैं और काजो भी बाईस साल निकल चुके तो यंग पोर्शन भी है बट uh, अब हमारी उम्र में या इस स्टेज में या इस कहानी में हमको लगता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम दोनों ने ऐसा नहीं किया हम वो नहीं कर सकते जो हम 20 साल पहले कर चुके हैं हमारे लिए भी नयापन होना चाहिए अदरवाइज इट वॉन्ट लुक फ्रेश तो एज फार एज देट इज कंसर्न यस एंड या दे विल ऑलवेज बी पीपल जिनको हमेशा लगेगा कि हम दिल वाले दुल्हनिया वाला ही रोल करते रहे लेकिन uh, वो अब नहीं कर सकते ये अपनी जगह है वो अपनी जगह पर बट देर इज स्टिल नो डिनाइंग ऑफ दिस फैक्ट कि फिल्म uh, कैसे चलेगी वो तो आगे जाकर डिसाइड करेगा लेकिन इज वन फैक्ट दैट स्टिल शाहरुख खान इज एमिटेबल एंड अनस्टॉपेबल लवर आपने फाइव मिनट्स में जो टी ट्वेंटी वाला डेटिंग किया आई मीन दैट इज वेरी अनस्टॉपेबल हाँ आजकल सबके पास वक्त कम होता है uh, अभी सब लोग इतना बिजी हो गए तो रोहित का आइडिया था कि सर पाँच मिनट के अंदर प्यार का इजहार कर दो और वो सब कर दो <laughs> जो एक आपसे आप बेहतर तो कर नहीं सकते नहीं, जो आपके पार्टनर को नॉर्मली डेट पे कहते हैं थोड़ा सा एक खाना हो थोड़ा सा टहलना हो डेजर्ट्स हो डांस हो और अपने प्यार का इजहार हो तो आजकल वक्त नहीं है पहले हमको जब हम फिल्में करते थे जैसे आपने का दिल वाले तो छः छः महीने होते थे प्यार करने के अब छः मिनट पाँच मिनट होते हैं तो पाँच मिनट में भी अगर करना हो आजकल ज़माना बदल गया है तो वो भी करना सिखाया हमने काजल और आपकी केमिस्ट्री लेके बहुत कुछ हुआ आपने ऑन स्क्रीन बहुत लोगों के बहुत एक्ट्रेस के साथ आपने रोमांस किया है बट वेन इट कम्स टू शाहरुख खान काजोल और आप लोग जब ऑन स्क्रीन वेन यू लुक इन टू इच अदर्स आई यू टेन टू फॉगेट दैट कैमरा इज देयर यूनिट इज देयर मतलब क्योंकि लोगों के अंदर वो देख के रियली really कुछ कुछ होता है आई मीन हाउ डज इट हैपन आई थिंक रियलिटी ये है कि हम इतने सालों से काम कर रहे हैं और जैसे हमने रोल किए हैं और जिस तरह के हम हैं हम ज़्यादा ग्लैमरस नहीं हैं ज़्यादा स्टार वैल्यू हमने कभी ना पर्सनल लाइफ में दिखाई है ना प्रोफेशनल uh, लाइफ में तो लोगों को ऐसा लगने लगा है वी आर पार्ट ऑफ देयर फैमिली सो वेन एवर वी कम टुगेदर आई थिंक मोर देन अस क्रिएटिंग द मैजिक द ऑडियंस क्रिएट्स द मैजिक अभी दिलवाले के भी मुझे जब रिएक्शन मिलते हैं तो मुझे यंग लोग भी मिले हैं मे बी मेट यू डेंट लाइक द वन बट आई यंगस्टर्स टर्न से यू यू नो वी हर्ड आर सो कूल बट बहुत अच्छा लगता है uh, मेरे बच्चों के दोस्त वगैरह सो ऑब्वियसली देर इज सम काइंड ऑफ अ कनेक्ट दैट वी हैव विद द ऑडियंस हैज़ क्रिएटेड सो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर देट हम दोनों जब काम करते हैं तो हमने कभी कुछ ऐसा सोचा नहीं है कि यार आज जो है ना राज और सिमरन करेंगे या अंजलि और राहुल करेंगे हम अपना आगे बिल्कुल ऐसा करते हैं जैसा हमने बीस साल पहले किया था बट आई थिंक सम वे वो ऑनेस्टी से करते हैं और ऑडियंस जो है वो जितने भी uh, लोग देख रहे हैं उसको आई थिंक वो ज़्यादा प्यार करते हैं उसको और आप दोनों के अंदर वो ईज भी है शायद वो कंफर्ट जोन भी है बीइंग वह ईच अदर फॉर सो मेनी इयर्स दैट मैटर्स शी इज लाइक फैमिली हमने इतने सालों से काम किया साथ में वो 19 साल की थी जब से मैं उनको जानता हूं तो उनकी सारी जो ग्रोथ है फैमिली है बच्चे हैं मेरे सामने हुए हैं मेरे भी तो एक अंडरस्टैंडिंग uh, भी है एक रिस्पेक्ट भी है एक डिग्निटी भी है और एक uh, दोस्ती है कि यार हम दोनों हैं एक दूसरे के लिए हमने काम किया अच्छी फिल्मों में काम किया है और हमेशा जब मौका मिलता है हम ऐसा ही काम करें जो लोगों को अच्छा लगे right. And who is the worst critic? मेरे सामने तो किसी की हिम्मत नहीं होती <laughs> <कुछ बोलने किया। laughs> uh, uh, पर्सनली तो बच्चे वगैरह सब मुझे बोलते रहते हैं ये ठीक yeah, है वो है।, है। क्योंकि सबको मालूम है मैं कितनी मेहनत से करता हूँ hmm. और जो मुझे जानते आई uh, थिंक वो मुझे मेहनत करते हुए जब देखते हैं और पैशन देखते हैं मेरा तो उनको लगता नहीं है कि मुझको किसी बात के लिए क्रिटिसाइज़ करें क्योंकि उन्हें मालूम है अगर मैंने चीज़ गलत भी की है या अच्छी की है उसमें मेहनत उतनी ही डाली है सो बिकॉज दे आर अवेयर ऑफ इट बाहर से लोगों को शायद अवेयरनेस ना हो तो अरे यार ये अच्छा नहीं था अरे ऐसा कैसा कर लिया ऐसा फाइव मिनट डेट क्या है वो फाइव मिनट डेट अड़तालीस घंटे में की गई क्योंकि एक शॉट में बनाया है वो सीन हो सकता है वो अच्छी ना होती हो सकता है किसी को अच्छी लगे हो सकता है किसी को ना अच्छी लगे तो कोई ये अभी मुझे बाहर का बोल सकता है ज़रूर कि यार वो अच्छी नहीं लगी पाँच मिनट लेकिन जिसको मालूम है जो मैंने मेहनत की है आ, उनको अगर अच्छी नहीं भी लगी तो उन्हें लगता है कि मेहनत तो की थी टू फेल आफ्टर वर्किंग हार्ड कैन नेवर बी क्रिटिसाइज्ड जिनको वो मालूम है मेहनत hmm. uh, बाकी क्रिटिकल uh, बातें जो होती है सब कर सकते हैं तो मुझको जो जानते हैं मुझे इतना क्रिटिसाइज़ नहीं करते इसका ये मतलब नहीं वो चमचे हैं या ओनली से गुड थिंग्स अबाउट मी बट दे आर ऑनेस्ट एंड दे नो आई ट्राई माय बेस्ट एंड बेस्ट कैन ऑलवेज गो राइट एंड कैन गो रॉन्ग डेफिनेटली और इस बार टू थाउजेंड फिफ्टीन का मोस्ट अवेटेड जो फिल्म था दिल वाले एंड बाजीराव बहुत रिलीज इन द सेम डेट आपको ये लगता है कि अगर सिंगल रिलीज़ होता था तो और भी ज़्यादा इनको कलेक्शन मिलता था लोगों के अंदर कंपेरिजन जो हो रहा था शुरू से कहीं इंटरव्यू में आपने बोला था कि दो डिफरेंट जॉनर के फिल्म है वो ऑन विस्टोरिकल बैक ग्राउंड एंड यूर इज़ अ फैमिली एंटरटेनर बट यू स्टिल फील जैसे चेन्नई एक्सप्रेस हो या हैप्पी न्यूज जिस तरह से रिलीज़ हुआ था अगर सिंगल रिलीज़ होता तो यूट है हाँ हंड्रेड परसेंट मैंने पहले भी बोला है जो बिज़नेस है वो थोड़ा सा डिवाइड होगा क्योंकि दोनों फिल्में जो हैं बहुत अच्छी हैं अच्छे फिल्म मेकर्स ने बनाई हैं तो एक्सपेक्टेशन होता ही है तो आ, और एक ही दिन एक पे दो चीज़ें आए चॉइस मिलेगा तो लोग चूज़ करेंगे ऑफ कोर्स बट हैविंग सेड दैट क्योंकि जॉनर्स अलग हैं एक हिस्टोरिकल ब्यूटिफुल पोइटिक पिक्चर है एक एंटरटेनर फैमिली फिल्म तो फाइनली एक्चुअली जिन लोगों को जो जो देखनी है वो देखेंगे जिनको दोनों देखनी है वो दोनों देखेंगे थोड़े बाद में देखेंगे दो दिन बाद देखेंगे ये नहीं होता कि एक पिक्चर देखेंगे अगली पिक्चर, पिक्चर उसके बाद देखेंगे बट हाँ जब भी फिल्म में साथ में आएंगी चाहे छोटी आएँ चाहे बड़ी आएँ क्लैश बोलो फाइट बोलो हम लोग ऐसा नहीं सोचते उसके बारे में बिज़नेस है इतना इंडिया के अंदर कि हॉलीडे का जो पीरियड है इसके अंदर एट द एंड ऑफ इट ऑल जिसको जो भी देखना है वो देख लेगा आराम से तो शुरुआत में हाँ दो तीन दिन ये फीलिंग रहेगी और आई थिंक मीडिया और सबको भी अच्छा लगता है ये सब बातें करना क्लैश है वो फिलाना एट द एंड ऑफ एट ऑल हम आगे हैं या वो पीछे हैं या वो आगे हैं हम पीछे ये बातें इतनी मायने नहीं रखती क्योंकि फाइनली फिल्म का जो बिजनेस होना है फिल्म अपने बल पे चलती है बहुत पहले भी बड़ी बड़ी फिल्में साथ में आई हैं दोनों चली कभी कभी आई दोनों नहीं चली कभी कभी एक चली है एक नहीं चलिए तो वो कॉम्बिनेशन इसलिए नहीं हुआ है कि दूसरी बेहतर थी या नहीं फिल्म अपने आप में किसको कैसी देखनी है वो दोनों चूज़ कर लेंगे अगले हफ्ते डेढ़ हफ्ते तक और आई थिंक हमारी बिगनिंग अच्छी है जैसा हम सोच रहे थे उनकी भी अच्छी हाउ दे थॉट उनको क्रिटिकल अक्लेम ज़्यादा मिलेगा वो आर्टिस्टिक है क्योंकि डिफरेंट जॉनर है हमारे को पब्लिक अक्लेम ज्यादा मिलेगा क्योंकि वो इन योर फेस हैप्पी गो लकी फैमिली फिल्म है बट आई थिंक दोनों का अपना लेवल होके uh, अच्छा रिस्पांस मिला है में, UAE, uh, overseas, well. think, मेरी फिल्मों के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग है बट right. uh, yes, हाँ इसका ये मतलब नहीं कि स्टाव अच्छी <laughs> है या <Star> अच्छी, <laughs> अच्छी mm. नहीं है uh, जहाँ पे जैसी पब्लिक जैसा मैंने कहा कि उनको उस वक्त वो देखनी थी कल जाके सब वॉर्स भी देखेंगे बट ओवरऑल

it's a better position for audience so it's not a big deal but yes on the first three days uh, the business does get affected but the long run of holidays i yeah. think in this period it will make it all right for both films जब फिल्म का शूटिंग करता है जब एक इट्स तो प्रोसीड्यूर यू नो जब बाद में जब फाइनल प्रोडक्ट सामने आती है रिलीज होने के बाद जब देखते हैं एंड पीछे मुड़ के आप कभी सोचते हैं कि बेटर जगह ऐसा लगता है आपको बेस्ट यू मेक द बेस्ट एफर्ट इन लाइफ एट द एज ऑफ 40 आई कैन थिंक अरे यार 20 साल की उम्र में ये करता तो बेहतर था So, none of this can change. Uh, you should just believe in what you're doing and you should just do it. And then, uh, whatever happens at that time is the most beautiful that could have happened. It's like life. Everything that you have in front of you uh, will feel uh, you could have done it better once it's behind you. Right. Uh, but that's not true. Uh, that's not necessarily true. I mean, that's my experience. I hope you have different experiences and you can change uh, uh, what you've done before. But I will never be able to change something that I've believed in and done before. Maybe this is what you call and Andaz. No, this is the reality. This is what <laughs> life is. You're younger, so maybe you don't understand it. I understand it better. Life happens at the moment that you're doing it, not behind and not ahead. Not that's definitely. what I believe in. And uh, a lot of good things will happen. They are good. A lot of bad things will happen. And those are also good. Because that's what life is. It has to be a mixture of both. अभी थोड़ा अलग से बात करते हैं अब बंगाल में जा रहे हैं सिटी टूर शुरू शुरू होगा कोलकाता में जा रहे हैं एंड वी हैव आर ऑल्ड की बंगाल एज अ स्वीट टूरिस्ट तू, डेस्टिनेशन इसके ऊपर आज फिल्म भी करने वाला तो हाँ, है सो मुझे करनी है बहुत बिजी था तो मैं इस बार फिल्म फेस्टिवल पर भी नहीं आ सका बिकॉज हमारा लास्ट डो शूटिंग का था तो मैं आई एम सॉरी बंगाल में नहीं आ सका लेकिन हाँ अभी मैं टूरिस्ट की फिल्म भी शूरिज्म की फिल्म भी शूट करनी है अच्छी शूट करेंगे इस बार इंशाल्लाह मैं वक्त निकालता हूँ अभी ख़त्म हो गया है मेरे पास थोड़ा सा वक्त है तो डिज़ाइन करूँगा एंड यस ट्वेंटी सेकेंड को हम

एंड मेरी क्रिसमस जो फिल्म है वो क्रिसमस पीरियड के लिए बनाई है सो टेक योर चिल्ड्रन बी हैप्पी इन्जॉय योर सेल्फ हैव अ गुड टाइम और uh, थोड़ी बहुत ऊपर नीच कभी लगे uh, हॉल में जाने तो डोंट वरी अबाउट इट गो विध हैप्पीनेस एंड एन्जॉय द फिल्म वन द सेकेंड पार्ट इज जितने भी कोलकाता में लोग हैं देश भर में लोग हैं आई विश यू हैप्पीनेस एंड हेल्थ और आप लोग खुश रहें आबाद रहें यही मेरी दुआ है. हर साल uh, लगातार जिंदगी भर ऐसे ही रहें <laughs>